वो गलत भी नहीं कहा जो महिलाओं के विकास पर चर्चा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे और बीच में ही टोका टोकियों कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि आपको कुछ पता नहीं है कि हमने क्या किया है महिलाओं के लिए। उनको सम्मानित करने की पुरानी इतिहास राजद को रहा है। बाकी बिहार के जो महिलाएं हैं, एक बात भी बता दे कि बिहार के महिलाओं के बारे में कोई उसके हित में निर्णय लिया बिहार में और आगे बढ़ेगा, हम लोग कहाँ रहेंगे, तो ये राजनीति कर रहे हैं। आश्चर्य है मुझको लगता है, बिहार को इतनी मदद मिली और बिहार के राजद ही इसका विरोध कर रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। बिहार में मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है, कल आखिरी दिन है। अभी मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठ चुकी है और कई तरह के मुद्दों पर बातचीत भी हो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज के दिन भी गायब रहे। अब कल आखिरी दिन है, अब देखने वाली बात यह है कि कल नज़र आएंगे या नहीं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब बस आज का दिन तो लगभग ख़त्म होने पे है, कल एक आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का, पाँच दिवसीय मॉनसून सत्र का। चार दिन तो नहीं नज़र आए तेजस्वी यादव, पाँचवा दिन आएंगे तो वो ना बताएंगे कहाँ लपता है। लालू जी बताएंगे, राबड़ी जी बताएंगे, ये लोग बताएंगे, राजद वाले बताएंगे कहाँ ऐश मौज कर रहे हैं बताएंगे ये लोग। वहीं कल चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं उनके मुंह से एक बात निकला, उसके बाद से बिहार के सियासत गलियारों में काफ़ी हलचल सी मच गई। उन्होंने राजद की विधायिका रेखा पासवान जी को कहा कि आप महिला हैं, आपको कुछ पता है, जिस पर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने भी, उन्होंने भी मतलब अपनी प्रतिक्रिया जताई है, कहा है कि ये आदत जो है नीतीश कुमार का अभी से नहीं बहुत पहले से है, ऐसे महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ करना। नहीं देखिए, अभद्र टिप्पणियाँ नहीं थी, और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो गलत भी नहीं कहा। जो महिलाओं के विकास पर चर्चा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे और बीच में ही टोका टोकियों कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि आपको कुछ पता नहीं है कि हमने क्या किया है महिलाओं के लिए जी। यानी कहने का यह मतलब था, तो राजद वाले एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के विकास की जो कहानी सुनना नहीं चाहते हैं। ये बताइए, पंचायतों में, नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? राजद वाले तो नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो ये अपनी बात रखेंगे ही। ये बताइए, सिपाही में 35% आरक्षण या नौकरियों में आरक्षण किसने दिया? आदरणीय नीतीश कुमार ने दिया। तो यह जो महिलाओं के लिए किया है उन्होंने, वह तो बात कहेंगे ही कि हमने महिलाओं के लिए किया। यानी आश्चर्य की बात है, ऐतिहासिक दिन वो दिन था जब एक महिला के कहने पर पूरे बिहार में शराबबंदी कर दिया गया। तो ये बात को नहीं मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, आप नहीं जानते हैं, जो जानकारी दे रहे हैं उसको ग्रहण करना चाहिए जानकारी को। और जब महिला होकर भी आप नहीं जानती हो तो ये तो परेशानी है। मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा कि महिला होकर भी आप नहीं जानते इस बात को, गलत तो नहीं कहा उन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भी प्रतिक्रिया आया है इस पे। उनका कहना है कि राजद और महागठबंधन जो है वो महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। अब सम्मान करने वाली पार्टी तो है, उसमें कहाँ दो मत है। राबड़ी जी को सम्मानित किया, मीसा भारती को सम्मानित किया, एगो कहाँ कौन विदेश से आई थी छपरा में सम्मानित किया, रोहिणी आचार्य को सम्मानित किया। तो ये तो जो परिवार के महिलाएं हैं उनको सम्मानित करने की पुरानी इतिहास राजद को रहा है। बाकी बिहार के जो महिलाएं हैं, एक बात भी बता दे कि बिहार के महिलाओं के बारे में कोई उसके हित में निर्णय लिया हो। साहब क्या था, 6 बजे के बाद महिलाएं निकलती थी इनके राज में, कहा कहते हैं बहुत काम किया हम, जितना दहशत अत्याचार महिलाओं पर हुआ वह
आदरणीय लालू यादव और राबड़ी जी के शासनकाल में ही हुआ, इस राज में नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रोटेक्शन भी दिया, विकास के लिए दिया, काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, हर क्षेत्र में महिलाएं कैसे आगे बढ़े उसके लिए ये सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया, तो यह तो बात बताना ही ना पड़ेगा हाउस में। चलिए ये तो बात हो गई, अब बजट पे आते हैं। बजट केंद्र की तरफ से पेश हो गया है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार को बस फुसलाने का काम किया गया है केंद्र के द्वारा। देखिए, नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो लालू यादव, कतई नहीं। जीवन में विकास के प्रति इनकी थोड़ी सी भी रुचि नहीं रही। 15 वर्षों तक भी राज में रहे तो एक विकास नहीं किया उन्होंने, न रुचि इनकी रही। अब बिहार के में जो पैकेज मिला है, जो आर्थिक सहायता मिला है, अब ये लोग छटपटा रहे हैं कि भाई फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में और आगे बढ़ेगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ये राजनीति कर रहे हैं, आश्चर्य है मुझको लगता है। बिहार को इतनी मदद मिली और बिहार के राजद ही इसका विरोध कर रहा है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इस बजट का बिहार को जो मिला उसका विरोध कर रहा है। ये तो बिहार विरोधी हैं, बिहार के लोगों का विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं। इनको सहाय नहीं होता है कि बिहार में कोई काम हो, विकास हो, ये इनकी राजनीति है। चलिए, तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद पैच। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी। इनका कहना था कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं ये अभी किसी को नहीं पता। अब देखने वाली बात यह है कि आज बिहार के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था, जिसपे लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठ के कई सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और तो और अभी जो कल की जो बात है, जहाँ पे नीतीश कुमार जी ने जो रेखा पासवान के ऊपर जो कहा था, जिसको विपक्ष जो है वो अलग ढंग से घुमाकर पेश करने की कोशिश कर रही है, उसी पे इन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार जी के बात को पूरा सुने समझें, उसके बाद आगे इस पर बातचीत करें। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।